हे व्हाट्सअप गाइस, सो कैसे हो आप लोग। सो गाइस आज मैं करने वाला हूँ कुछ इस टाइप से भी एडिटिंग। सो गाइस आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो गाइस इस फोटो को करने वाला हूँ एडिट। सो बैकग्राउंड भी करने वाला हूँ इरेज। तो गाइस पूरा कंप्लीटली बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को लाइक कीजिए अभी से एंड लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले इस वाले फोटो को आपको शेयर करना होगा स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर। तो कर लेते हैं शेयर। शेयर करने के बाद गाइस यहां पे टूल पे ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहां से आपको डिटेल्स पे जाना होगा। डिटेल्स पे जा करके आपको स्ट्रक्चर को कम कर देना होगा। तो गाइस इतना रखिएगा। तो गाइस देख सकते हो इतना रखने के बाद कर देना होगा डन। तो डन करने के बाद फिर से टूल पर जा करके आपको यहाँ ट्यून इमेज सेलेक्ट कर लेना है। तो सेलेक्ट करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको थ्री डॉट का लाइन दिख जाएगा, उस पर आपको क्लिक करके ब्राइटनेस को बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ा देना है। एंड कंट्रास्ट को भी हल्का सा बढ़ा दीजिएगा 47 के आसपास। एंड यहाँ से एम्बिशन को, सॉरी हाईलाइट को भी बढ़ा देते हैं 36 के आसपास रख के आपको कर देना होगा डन। सो गाइस ये हो गया इतना करने के बाद डन। सो गाइस इसका बैकग्राउंड बदलने के लिए सिंपली आपको टूल वाले ऑप्शन पे जाना होगा एंड यहाँ से डबल एक्सपोजर का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके करने के बाद गाइस यहाँ पे इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। तो इस पर क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ से इमेज का ऑप्शन दिख जाएगा ऊपर में, उस पर क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ से आपका फोल्डर ओपन हो जाएंगे। तो जिस भी फोल्डर में आपके फोटो होंगे उस फोल्डर से आपको फोटो को चूज कर लेना है। तो इस ऐसा बैकग्राउंड आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो गाइज मैंने इस पर वीडियो बना दी है। तो गाइज आप जाकर देख सकते हो, या तो आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूंगा तो वहां से आप देख सकते हो। सो गाइज यहां पे आपको इस तरह से ओपेसिटी को करना होगा फुल एडजस्ट करके एंड करना होगा डन। डन करने के बाद गाइज यहां से आपको सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पर करना होगा क्लिक एंड यहाँ से व्यू एडिट्स पर करना होगा क्लिक। व्यू एडिट्स पर क्लिक करने के बाद इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको ब्रश सेलेक्ट करना होगा। तो कर लेते हैं ब्रश सेलेक्ट। ब्रश सेलेक्ट करने के बाद गाइज यहाँ से आप देख सकते हो एक नीचे का तीर का आइकन दिख रहा होगा एंड वो एक ऊपर का, तो सिंपली आपको ऊपर वाला को फुल कर देना है। तो फुल करने के बाद गाइस इस तरह से बैकग्राउंड को आपको रिप्लाई करना है, सॉरी इरेज करना है। तो गाइस इस तरह से रिस्टोर कर लीजिएगा बैकग्राउंड को एंड जिस पे आप मॉडल बैठा हुआ है उस पे आपको नहीं करना है, सिर्फ आपको बैकग्राउंड पीछे का साइड को आपको इरेज करना है। तो फाइनली मैंने इरेज कर दिया, इतना इरेज करने के बाद डन कर देते हैं एंड यहाँ से बैक जाते हैं। सो बैक आ गए। सो गाइस इतना करने के बाद आपको इस फोटो को करना होगा शेयर। तो गाइस इस फोटो इस ऑप्शन पे करना होगा क्लिक एंड यहाँ से आपको कर देना होगा शेयर लाइट रूम एप्लीकेशन में। तो कर लेते हैं लाइट रूम एप्लीकेशन में। गाइस वीडियो अच्छा लग रहा होगा अभी से तो लाइक कीजिए। तो गाइस ऊपर से स्क्रॉल करना होगा शेयर करने के बाद एंड यहाँ से इंपॉर्टेंट फिनिश पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ऑल फोटो पे क्लिक करके आप लाइट रूम एप्लीकेशन में ओपन कर दीजिएगा इस फोटो को। तो कर लिए हैं लाइट रूम एप्लीकेशन में ओपन एंड गाइस इस तरह से स्क्रॉल कीजिएगा एंड यहाँ से आपको लाइट का ऑप्शन दिख जाएगा एंड यहाँ से आपको एक्सप्लोर को बढ़ा करके एंड कॉन्ट्रास्ट को इस तरह से बढ़ाइएगा इतना। तो इतना रखते हैं फोटो के अकॉर्डिंग एंड हाईलाइट को कम कर दीजिएगा, शेडो को बढ़ा दीजिएगा एंड वाइट को बढ़ा करके ब्लैक को इतना ही रहने देना है एंड कलर पर आ जाना है। कलर पे आने के बाद गाइज यहाँ से आपको टेम्प का ऑप्शन दीजिएगा, उसको सिंपली आपको हल्का सा माइनस करना है तो आपका कलरफुल दिखने लगेंगे फोटो पिक। सो गाइज इतना करने के बाद मिक्स पे जाना होगा, मिक्स पे जा करके ऊपर में एंड गाइज इन सभी कलरों पे आ करके आपको एडजस्ट करना होगा। जो बैकग्राउंड में कलर है उसका सिचुएशन माइनस नहीं करना होगा। तो ब्लू कलर का सिचुएशन इस तरह से बढ़ा देते हैं। सो गाइज आप देख सकते हो इस तरह से कलरफुल हो गए हैं एंड ह्यू को इतना रखते हैं। तो गाइज आप कलर अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। तो इस तरह से आपको सिचुएशन माइनस प्लस कर लेते हैं। तो इतना करने के बाद गाइज आपको ऑरेंज वाले कलर पे आ जाना है। तो चलिए इतना कर लेते हैं। इतना करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको ऑरेंज इन तीनों कलर पे आ करके ऑरेंज वाले कलर पे आ करके सिचुएशन को माइनस कीजिएगा एंड लेमिनेंस को बढ़ाइएगा। इस तरह से आपका फेस वाइट हो जाएगा। सो गाइज ब्लैक फेस होगा आपका तो वाइट कर लीजिएगा एंड येलो कलर पर आकर सिचुएशन माइनस कर दीजिएगा एंड रेड कलर का सिचुएशन आपको बढ़ाइएगा। तो इस तरह से आपके तो सिंपली आपको इस तरह से रेड कलर का सिचुएशन माइनस करके आपको कर देना होगा डन। तो गाइज यहां से आपको इफेक्ट पे जाना होगा एंड यहां से क्लैरिटी दे देनी होगी अपनी फोटो में। सो गाइज क्लैरिटी देने के बाद ऑप्टिक पे जा करके इन दोनों को अलाउ कर दीजिएगा। सो गाइज अब देख सकते हो इतना हो गया है इस फोटो इसमें रेडी लाइट रूम में। तो गाइज यहाँ से आपको करना होगा शेयर। तो शेयर पर क्लिक करके यहाँ से आपको शेयर टू पे क्लिक कीजिएगा तो इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा। तो सिंपली आपको यहां से शेयर करना होगा एडोब स्केच बुक में फेस स्मूथ करने के लिए। सो गाइस फेस स्मूथ करने के लिए यहां पे आ जाइएगा एंड गाइस यहां पे देख सकते हो फेस में कितना ज़्यादा ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, गजब दिख रहे हैं। सो गाइस यहां पे आपको थर्ड वाले टूल पे जाना होगा एंड यहाँ से आपको एक ब्रश चूज करना होगा लाइब्रेरी में आकर। तो इसमें आकर के आपको यहाँ से ये वाला ब्रश सेलेक्ट करना होगा, स्मूथ में आकर के ये वाला ब्रश सेलेक्ट करके आपको सेटिंग में जाना होगा एंड यहाँ से आपको साइज को
फॉलो को इतना रखिएगा 3-4 के आसपास, एंड स्ट्रेंथ को भी उतना ही रखना है एंड कट कर दीजिएगा। एंड यहाँ सबको एक बिंदु नज़र आ रहे होंगे, सो गाइस उस पर क्लिक कीजिएगा तो इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। सिंपली आपको अपने हाथों से इस तरह से इधर उधर कीजिएगा तो ये साइज छोटा बड़ा होंगे। सो गाइस साइज छोटा बड़ा करने के लिए ये आसान ट्रिक है, तो इस तरह से फेस को जूम करके इस तरह से आपको स्मूथ करना होगा। सो ब्रश अप्लाई कीजिएगा इस तरह से तो आपका फेस स्मूथ होने लगेगा। सो गाइस साइज को छोटा बड़ा करके कर लीजिएगा, सो इस तरह से कीजिएगा तो आपका ब्लैक ब्लैक नहीं दिखेंगे फेस में। सो गाइस इस तरह से कर लीजिएगा फेस को स्मूथ, तो चलिए कर लेते फेस को स्मूथ। तो गाइस फेस को स्मूथ कर लिए हैं हम फाइनली। सो गाइस मैंने वीडियो को स्किप कर दिया, सो गाइस आप स्लो में कीजिएगा। एंड यहां से आपको सिंपली फर्स्ट वाले टूल पे क्लिक करके यहां से शेयर करना होगा, एंड यहां से अदर पे क्लिक करना होगा, एंड यहां से आपको शेयर करना होगा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो कर लेते हैं शेयर, सो गाइस कर लेते हैं शेयर पिक्सआर्ट में। सो इस तरह से हो गया ओपन मेरा पिक्सआर्ट में। सो गाइस यहां से आपको जाना होगा इस इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाना होगा। सो गाइस चले जाते हैं इस इफेक्ट पे, एंड यहाँ से आपको स्क्रॉल करके आना होगा आर्टिस्टिक पे, एंड इस पर क्लिक करिएगा, एंड सबसे लास्ट में आना होगा लास्ट वाले के थर्ड वाले ऑप्शन पे आकर के इस पर क्लिक कीजिए। तो कुछ इस तरह से प्रोसेसिंग होंगे। सो गाइस इस तरह से प्रोसेसिंग होने के बाद गाइस आपको डबल क्लिक करके फेडो को कम कर दीजिएगा, एंड ऊपर में इरेजर वाला ब्रश उस पर क्लिक कर देना होगा, एंड यहाँ से आपको इन्वर्ट कर दीजिएगा। तो कर लेते हैं इन्वर्ट। इन्वर्ट करने के बाद गाइस आपको रिजिस्टर वाला ब्रश दिया जाएगा, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है, एंड यहाँ से साइज को अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके आपको अपने टी शर्ट पे सॉरी शर्ट पे आपको इस तरह से अप्लाई करना है, रिजिस्टर कर दीजिएगा। तो रिजिस्टर कर लेते हैं अपने शर्ट पे। सो गाइस इस तरह से आपको सिर्फ अपने शर्ट पे कर लेना है। सो गाइस फाइनली आपको जो पैंट पहने हैं उस जीन्स को भी आपको कर लेना होगा। सो इतना करने के बाद गाइस आपको इस तरह से फेडो को कम बेसी करके आप देख सकते हो। इतना करने के बाद गाइस आपको यहां से कलर ब्राउन का ऑप्शन दिया जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। सो गाइस क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो नीचे जो मेरा जींस था वो कलर नहीं मैच कर रहा है। तो गाइस आपको इरेजर टूल पर जाकर के आपको इरेजर पर जाकर के ओपेसिटी को कम कर दीजिएगा, एंड हार्डनेस को भी कम करके इस तरह से हल्का हल्का इरेज कर देना होगा ताकि ये अच्छा दिखने लगेंगे। सो गाइस ये बहुत ख़राब दिख रहे हैं, तो गाइस अपने फोटो के अकॉर्डिंग इस तरह से कर लीजिएगा। तो चलिए मैं हल्का हल्का इरेज कर दे रहा हूँ तो और अच्छा लग रहेंगे। सो गाइस इस तरह देखिए और भी अच्छा लगने लगे हैं। तो इतना करने के बाद कर लेते हैं डन। सो गाइस ये हो गया इतना डन। तो इतना करने के बाद गाइस आपको इधर स्क्रॉल करना होगा, एंड यहाँ से आपको रिटच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, एंड यहाँ से आपको हेयर कलर का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा, एंड यहाँ से आपको अमाउंट एंड सिचुएशन को बढ़ा करके इरेज वाला टूल पर जाकर साइज के हार्डनेस को बढ़ा दीजिएगा। एंड इस तरह से आपको पहले इरेज कर लेना है जो आपके फेस पे कलर आए होंगे हेयर पे, तो इस तरह से पहले इरेज कर लेना है। एंड आपको मैनुअल वाला ब्रश पे जाना है, एंड यहाँ से आपको साइज को छोटा करके हार्डनेस को हल्का कम कर दीजिएगा, एंड यहाँ से आपको जो भी कलर चूज करना होगा अपने लिप्स पे आपको टी शर्ट पे, तो इस तरह से आपको चूज करके इस तरह से आपको रीअप्लाई कर दीजिएगा टी शर्ट पे, सिर्फ टी शर्ट पे करना है। सो गाइस यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो करने के बाद। सो फाइनली मैं ये कलर रख रहा हूँ, इतना करने के बाद कर देते हैं डन। सो गाइस देख सकते हो इतना ज़्यादा हो गया है। सो गाइस फाइनली इसे चश्मे पे भी गूगल पे भी आपको ट्राई कर लेना होगा। सो गाइस करना चाहते होंगे तो गाइस इतना करने के बाद कर देते हैं डन। फिर से आपको हेयर कलर पर जा करके अमाउंट सिचुएशन को बढ़ा देना है, एंड इरेजर ब्रश को हार्डनेस फुल करके इस तरह से पहले कर लेना होगा इरेज, एंड ब्रश पे आ करके साइज को छोटा करके हार्डनेस को कम करके इस तरह से रेड कलर सेलेक्ट करके आपको लिप्स को पेंटिंग करना है। तो गाइस इस तरह से पेंटिंग कर दीजिएगा लिप्स को तो और भी ज़्यादा अच्छा दिखने लगेंगे। तो गाइस यहाँ से आपको कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो ये कलर मैं रख रहा हूँ तो और भी अच्छा लगेगा, एंड अमाउंट को कम कर दे रहा हूँ। अमाउंट को कम करने के बाद कर लेते हैं डन। सो गाइस इस तरह से देखिए फोटो हो गया बनकर रेडी। सो गाइस यहाँ से करने के बाद आपको फिर से करना होगा डन। डन करने के बाद गाइस इसका निचला लेयर को आपको इफेक्ट पर जाना होगा, एंड निचला लेयर को आपको बदलना होगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है आर्टिसिटी का, एंड यहाँ से आपको फिर से वही फर्टल वन का ऑप्शन दीजिएगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। सो सॉरी गाइस मुझे ये दोबारा करना पड़ रहा है, तो गाइस आप पहले में कर सकते हो। तो गाइस यहाँ से आपको फेडो कम करके इरेजर टूल पर जाना है, एंड यहाँ से आपको इन्वर्ट कर देना होगा। इन्वर्ट करने के बाद रिजिस्टर वाला ब्रश पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद गाइस इस तरह से आपको जो जिस पे आप बैठ कर पोज दिए होंगे उसको आपको इरेज कर देना होगा और रिप्लाई कर देना होगा। सो गाइस इस तरह से आपको रिस्टोर कर देना होगा, तो कर लेते हैं रिस्टोर। सो गाइस रिस्टोर करने के बाद इस तरह से मेरा नीचे का लेयर दिख रहा है। सो गाइस इतना करने के बाद आपको कलर ब्राउन का ऑप्शन दिख जाएगा,
तो मल्टीपल पे कुछ नहीं दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है, तो गाइस कलर ब्राउन पर क्लिक करके आपको कर देना होगा डन। सो गाइस आप देख सकते हो तो नीचे का कलर होगा मैच हो रहा है। सो गाइस इतना करने के बाद आपको स्टिकर वाला ऑप्शन पे जाना होगा एंड यहाँ सबको सर्च करना होगा लाइट इफेक्ट। लाइट इफेक्ट सर्च करने के बाद गाइस इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा, सिंपली आपको ये वाला लाइट डाउनलोड कर लेना है एंड यहाँ सबको ब्रांड का ऑप्शन दिख जाएगा नीचे की ओर, तो उस पर आपको क्लिक करके स्किन कर लेना होगा। स्किन करने के बाद इस तरह से आपको साइड में एडजस्ट करना होगा एंड यहाँ सबको इसे डुप्लीकेट कर लेना होगा। डुप्लीकेट पे क्लिक कीजिएगा, इस तरह से डुप्लीकेट करके आपको इसकी ऑपेसिटी को कम कर दीजिएगा एंड उसकी भी इस ऑपेसिटी को कम कर लेते हैं एंड इतना करने के बाद डन कर देना है। सो गाइज ये हो गया फाइनली बनकर रेडी। सो गाइज इसी तरह से आपको करना है एडिट, तो यहाँ से आपको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पर करना होगा क्लिक। सो गाइज यहाँ से आपको करना होगा इस वाले ऑप्शन पर क्लिक, तीर वाले ऑप्शन पे एंड यहाँ से आपको गैलरी में कर देना होगा सेव। तो गाइज ये गैलरी में हो जाएंगे सेव। तो गाइज उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल बनाए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो यार।